ख्वाजा साहब के उर्स की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक आयोजित। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स आगामी 12 फरवरी से आयोजित होगा। इस उर्स में आने वाले जायरीन को किस तरह की परेशानी ना हो और यह आयोजन कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के साथ किया जाए, इसे लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर SP की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान के साथ ही विभिन्न पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। अमीन पठान ने बताया कि उर्स की दौरान आने वाले जायरीन को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए दरगाह कमेटी द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही प्रशासन से भी मांग की गई है कि अजमेर आने वाले जायरीन के लिए कोविड-19 की पालना के साथ व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज को मनाने वाले लाखों लोग हैं, ऐसे में हजारों की संख्या में लोग दरगाह जियारत के लिए पहुंचेंगे। इन्हें रोक पाना मुश्किल है, सभी अपने जियारत सकुशल कर पाए, इसे लेकर दरगाह कमेटी अंजुमन सहित विभिन्न संस्थाएं अपनी तैयारियों में जुटी है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन से भी बातचीत की गई है। उन्होंने अपील की है कि कोविड-19 महामारी के चलते लोग सुरक्षा की दृष्टि से कोविड-19 गाइडलाइन का ध्यान रखें और कम से कम भीड़ भाड़ करते हुए जियारत करें, अपने वतन लौट जाएं। उन्होंने कहा कि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, हम कलेक्टर साहब के यहाँ पे मीटिंग हुई जिसमें दरगाह कमेटी के हमारे जो है नायब सदर है हमारे नाजिम साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब, सब लोग शामिल थे और सबका मकसद ये कि जो उर्स आ रहे ख्वाजा साहब के, उसके अंदर जो पूरे मुल्क से या दुनिया भर से जो जायरीन आते हैं, उस शांति के साथ आसानी के साथ वो अपनी जियारत करके वापस जाए और जो जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसको पूरी करें। तो उसको किस तरीके से पूरी कराई जाए, उसको कैसे फॉलो किया जाए, लोगों को समझाइश कैसे की जाए, उसको लेकर आज बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर बैठक हुई है। और हम सबका ये मकसद है, चाहे दरगाह कमेटी है या और भी जो जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियाँ, सबका ये मकसद है कि शांति से और खैरियत से ये उर्स मुकम्मल हो, जायरीन सात खैरियत से आए और आसानी के साथ अपनी जो अपनी जियारत पूरी करके इस यात्रा को पूरी करके मुकद्दस सफर को पूरा करके सात खैरियत से अपने घर पहुँचे। कहना है मेले को लेकर किस तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही, ऐसे में जो आएंगे तो फिर उनकी व्यवस्था किस होगी? नहीं, दरगाह कमेटी सब व्यवस्था करेगी, जो लोग आएंगे गाइडलाइन की जो पालना करते हुए आएंगे दरगाह कमेटी सब व्यवस्था करेगी। अभी भी हम लोग कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ जो भी मेले के अंदर होती है, जो भी पहले भी हुई है, वो व्यवस्था करेंगे हम लोग ताकि जो जायरीन आए उनको परेशानी नहीं हो, लेकिन जायरीन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आए। तो आपको कोई एतराज नहीं है? एतराज नहीं, नहीं, भारत सरकार की कहीं भी ना राजस्थान सरकार की तरफ से रोक है ना भारत सरकार की तरफ से रोक है, बस ये है कि वो गाइडलाइन को पूरी करे। गाइडलाइन में मास्क लगाना है, टेस्ट रिपोर्ट है, कोविड रिपोर्ट है, ये कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं, धारा 144 अभी नहीं रहेगी, और क्योंकि अभी भी लोग आ ही रहे बड़ी तादाद के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि कहाँ है अभी धारा 144 अभी लगी हुई है। 21 तक है, लेकिन उसके अंदर अलग गाइडलाइन इशू की गई है। धारा 144 लगती है जब कॉमन इंटेंस लगी है, प्रशासन का कहना है कि किसी को ना आने दिया जाए। नहीं, आने नहीं दिया जाए वाली कोई धारा 144 नहीं लगी है। धारा 144 का ऑर्डर आप पढ़ना, उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी सबकी कंप्लायंस करते हुए लोग आते हैं, और धारा 144 लगातार लगी आ रही जब से कोविड आया तब से, लेकिन उसका वायलेशन नहीं होता है तब तक कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो अपनी तरफ से किसी को कोई पाबंदी नहीं आना? पाबंदी तो प्रशासन लगाता, हम तो कोई पाबंदी लगाते नहीं, हम तो इनवाइट करते हैं, नहीं, जो नॉर्म्स हैं कोविड की उनकी पालना तो सबको करनी ही करनी है। आपकी तरफ से इनवाइट किया जा रहा है? इनवाइट करने की बात ही नहीं है, उर्स है तो लोग आएंगे ही आएंगे। और नहीं आने की कोई बात कहीं प्रशासन की तरफ से भी नहीं, हमारी तरफ से भी। गाइडलाइन को कान्हा श्री रेस्टोरेंट, एक बार आएंगे तो यहाँ का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। आपकी हर सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी और कॉन्फ्रेंस को हम बनाएंगे यादगार। डिलीशियस, यमी, प्योर वेजिटेरियन वैरायटीज ऑफ फूड। नाउ गेट 10% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। कान्हा श्री रेस्टोरेंट, 824C A Block, नियर सिटी स्क्वायर मॉल, पंचील नगर, अजमेर। So contact 9929590449.